देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं इस वक्त केपीके में क्या हो रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने कल ये बात बावर कराई कि केपीके की असेंबलियों के हवाले से भी इस्तीफे जमा कराए जा रहे हैं, और ये बात तहरीक इंसाफ के सर्कल से निकल के आ रही है कि केपीके के अरकान असेंबली वो भी इस्तीफे अब जमा कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो तरक्याती काम है उसको भी तेज करने के हवाले से मामला कह दिया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब फजले हक साहब, जो कि डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे हमें केपीके से। फजल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि इस वक्त केपीके की असेंबली में क्या हो रहा है, वहां की क्या इत्तला है? जिन्हें के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से लिखा रोज रावलपिंडी में उन्होंने इकरार किया था, और उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली को हम तहलील करेंगे, और जो पंजाब की सूबे में पाकिस्तान के लेकिन साथ हुकूमत है और जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ से भी हम असेंबलियाँ तहलील करेंगे। तो आप खेती के की बात अगर की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से अभी समाज से एक एम पी एम ने अपने इस्तीफा जो है ना वजीर आला को अड़ताल कर दी, जबकि इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान साहब की भी जो है इस तरह एक तहरीरी इस्तीफा सामने आया है। जब हमारी बात यहाँ पर मकानी ये मरदान की इफ्तिखार मशवानी से हुई तो उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सरबराही में एक पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है और दूसरा होने बाकी है। उन्होंने कहा कि खान साहब की जो हुक्म है वो हम मानेंगे और सब ओके होंगे, लेकिन उन्होंने सबको ऐड करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब ने असेंबली हमारी बात स्टेटू की नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारी बात असेंबलियों की तहलील की है। तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है महमूद जान साहब वो असेंबली को तहलील करेंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर पार्टी के कायदीन जो है ना पार्लियामानी पार्टी के जो कायदीन है और दूसरा इमरान खान साहब है, तो जब भी हम कहेंगे कि इस्तीफा जमा करवा दें तो ये उनकी एक अमानत है और हम उनकी आर्डर पर लब्धे कहते हुए हम अपनी जो है ना इस्तीफे जमा करवाएंगे। अच्छा फजल साहब ये बताइएगा, आपने कहा इस्तीफे जमा कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो केपीके में मौजूद आवाम है उनमें ये तशवीश पाई जाती है कि केपीके में बड़ी बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे इस वक्त जारी हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचे, जो शायद अगले दो या तीन माह बाद पहुंचने थे, इनके हवाले से भी इत्तला आ रही है कि इन मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करने का अहकाम दिए गए, इसमें कहां तक बात में सदाकत है? देखिए सर बात इस तरह की है कि जिस तरह आपने फरमाया यहाँ पर अमूमन इस तरह होती है कि जब भी किसी हुकूमत की आखिरी साल ली जाती है तो वो आखिरी 10-8 महीनों में तरक्याती कामों को और भी तेज करती है और एक जान पे हटाते हैं। इसी तरह आवाम को ये तवक्को थी कि ये आखिरी साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ना ये अपनी इस्लाहात का जो ऐलान है उनका और जो तरक्याती काम है उनसे मजीद तेजी लाएंगे, लेकिन फिलहाल इस तरक्याती कामों में कोई तेजी नहीं आ सकी और अभी तक जो इनकम्प्लीट जो है ना प्रोजेक्ट है तो इसी तरह पड़े हैं और अभी तक उनकी जानिब से कोई तरक्याती काम। और बड़े शहरों में इस तरह के कितने मंसूबे होंगे फजल साहब, ये बताए ना कि बड़े शहरों में इस तरह के कितने ऐसे मंसूबे हैं जो जेरे इल्तवा है जो अभी तक मुकम्मल ना हो सके? जी के मरदान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर अस्पताल का एक मंसूबा है, जिसका तहरीक इंसाफ की पिछले 5 साल जो हुकूमत उसने भी तकमील तक नहीं पहुंची और इसी साल भी जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर अस्पताल का ये मंसूबा है अपनी तकमील को नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा अब उनकी प्रोजेक्ट उन्होंने ऐलान किया है कि ये प्रोजेक्ट हम पूरे करेंगे, लेकिन फिलहाल तकमील को पहुंचने का नजर कोई आसार नजर नहीं आ रहा। जब आवाम का तासर भी देखते थे ये मिल रहा है कि अगर ये तहरीक इंसाफ के जो कायद है या मकसदी उनकी पार्टी के जो कायदीन है अगर वो इस्तीफे जमा करवाएंगे और हुकूमत को बाद में छोड़ देते हैं तो फिर इनके ऐलान क्यों करते हैं और आवाम का जो है ना ऊंट गाया क्यों देते हैं कि आवाम अपनी राय आवाम की राय का एहतराम क्यों नहीं कर रहे कि आवाम उनकी हाथ में राय का इस्तेमाल कर रहे, लेकिन बाद में जी लोग जैन आवाम की राय का। अच्छा फजल साहब ये बताइए ना कि पंजाब में तो हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को ये है कि वो इस्तीफे जमा करा के एक फ्रेश इलेक्शंस करके अपनी 2/3 मेजोरिटी हासिल करना चाहते हैं,
केपीके में फिलहाल ऐसा कोई मसला नहीं, केपीके में उनकी असेंबली, उनकी आदत के हवाले से हम जो चीजें देख रहे हैं सारी सूरत हाल उनके काबू में दिखाई देती है। आपको लग रहा है कि एक अमूमी राय भी वहां की बताइएगा आवाम की कि क्या है कि क्या पंजाब की असेंबलियां तहलील करने के बाद केपीके की असेंबलियां भी तहलील होती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है वहां पे? आज बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी पीएस साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये बात असेंबली की तहरीर की है तो अगर पार्टी कायद है इमरान खान साहब की जानब से जब भी हुक्म मिलता है तो इसमें कोई तखीर नहीं हुई और जो भी साहब की दोस्त ने पार्लियामानी पार्टी को ये इख्तियार दिया हुआ है कि जब भी आप चाहे तो हम इस्तीफा भी जमा कराएंगे और जब भी आप चाहे तो आप असेंबली को भी तफरीक कर सकते हैं। अच्छा ये बताना फजल साहब, केपीके की एक तारीख है कि वो हर बार उसी हुकूमत को बार बार उसी का इंतखाब करे जरूरी नहीं है, लेकिन 2013 में हमने देखा कि केपीके ने एएनपी को मुस्तरद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, फिर 2018 में एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला और बढ़ के मिला। अब आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए केपीके में जो कुछ हुआ या जो कुछ ना हुआ उसको देखते हुए केपीके के आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती हुई दिखाई दे? अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में जो वोट दिया था तो उन्होंने तब्दीली के नाम पर वोट दिया था और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने तब्दीली के नारे पर तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब है उनके जो उनको वोट दिया था, लेकिन पिछले 5 साल से उसमें तहरीक इंसाफ उसी तरह डिलीवर नहीं कर सके, उस तरह इस्लाहात नहीं ला सके, उस तरह आवाम के साथ ठीक है दुआ देते उन पर अमल दरामद नहीं हो सके। तो दोबारा जब 2018 में उनको फिर मैंडेट मिला तो 2018 में उनको एक बारी मैंडेट मिला है दो तिहाई अक्सरियत और अभी तक जो है ना तकरीबन 10 साल हो गए जो है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन जिस तरह तहरीक इंसाफ ने करप्शन खत्म करने की बात की थी, जिस तरह उन्होंने पकवार कल्चर को खत्म करने की बात की थी और जिस तरह उन्होंने पुलिस में इस्लाहात लाने की बात की थी, तो ये पुलिस में इस्लाहात लाने की बात अगर की है तो इसमें कुछ न कुछ बेहतरी आई है, लेकिन बाकी जो इदारे हैं उसमें उसी तरह से इंसाफ की जो हुकूमत है वो साथ नहीं रह सके तो आवाम जो है उनको रिलीफ दे सके तो आवाम उससे काफी जिंदगी कई बेहतर है और ये तो आप फजल साहब ये सिर्फ फरमान है कि वहां पे जो तासुर था कि तहरीक इंसाफ आएगी असर नो सब तब्दील हो जाएगा उस मयार का काम होता दिखाई नहीं दिया, अब जब इस मयार का काम नहीं हुआ तो फिर भी तहरीक इंसाफ क्यों कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि अगर आइंदा इलेक्शन होते हैं आइंदा इंतखाबात होते हैं तो भी तहरीक इंसाफ एक बड़ी जीत हासिल कर सकेगी? देखिए बात इस तरह की है कि तहरीक इंसाफ की जब से विफाक की हुकूमत खत्म हुई है तो उसी तरह इसके बाद मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ उनकी हमदर्दी जो है ना वो दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो पीडीएम की जो मुश्तरका हुकूमत वो सामने आई है तो वहीं पर जो है ना उसके महंगाई में इजाफा हुआ है और इसी तरह जो दूसरे चीजें हैं तो उसमें शरीफ पुलिस के मसूआत में और इस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इस पीडीएम की जो मखलूक जो हुकूमत है तो उससे भी आवाम काफी बजुर्ग दिखाई दे रहे तो उसके साथ दोबारा वो इमरान खान के साथ जो है ना शामिल हुए और ये दोबारा इमरान खान को और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बताइएगा कि वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों भी एक स्पीच की जलसागाह में खिताब किया उसके हवाले से भी काफी सारे लोगों को तशवीश है, तो वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का आने वाले इंतखाबात में रोल कितना अहम होता हुआ देख रहे हैं आप? जैसे ये मौलाना फजलुर रहमान की ज्यादातर जो बिल्ड थी तो पाटा को जाहिर की जा रही थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में काफी अजला में जमीयत उलमा इस्लाम से का जो है ना वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है और जो उनके जो कैंडिडेट थे तो बहुत से अजला थे, पिशावर के मेयर की उनकी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, जो यहाँ मरदान की तकरीबन जो तहसील है तो उसने जमीयत उलमा इस्लाम से जो उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं तो अभी ये तो भी की जा रही है कि यहाँ पर भी काफी मजबूत जो है ना दिखाई दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप और
नहीं बेटे वो किसी जगह कहूँ की यहाँ आइंदा इलेक्शन में खासकर सीटें जो है ना जीतने में कामयाब हो सके। और ये भी तो मसला होगा ना फजल साहब कि अब जब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये जो तमाम 13 जमातों का इत्तेहाद है वो एक साथ तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो तो अपनी अपनी नशीत से इलेक्शन लड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है ये कमजोर पड़ेगा और जब ये अलहदा होकर इलेक्शन में जाएंगे तो शायद इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कमजोर हो जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की तो ये काफी कमजोर होगा और ये जहाँ पर अभी ये जो जिम्मी इलेक्शन में देख लें तो जिम्मी इलेक्शन में यहाँ पर पीडीएल का जो मुश्तरक उम्मीदवार थी दोनों ने इसी तरह का तरफा कामयाबी हासिल न कर सके, तो ये भी तो की जा रही है कि अगर ये तो प्लेनिंग भी वो करेंगे कि होंगी सब पार्टियां जो पीडीएल में है तो ये मेरे साथ ही रहेंगे ये आएगा इलेक्शन में ऐसा मुश्किल निकल दे रहे हैं अपनी जाति जो है पार्टी की बुनियाद पर सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फजल हक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे केपीके से और केपीके में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से हमें आगाह भी कर रहे थे, लेकिन ये बहुत सारे सवालात हैं जो केपीके में हम देखते नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्ट्रॉन्ग जोन इस तरह तस्वुर किया जा रहा है केपीके, क्या आने वाले इंतखाबात में भी वहां पर बड़ी तादाद में वोट हासिल करके एक क्लियर मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल करने में कामयाब होगी? क्योंकि केपीके की जो असेंबली है वो एक जिसकी हिस्ट्री इस तरह से रही है कि वो फिर से उसी पार्टी का इंतखाब करेगी थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। 2013 में जो मैंडेट मिला उसको मजीद इजाफे के साथ 2018 में तहरीक इंसाफ को दिया गया और उसके बाद अब ये एक्सपेक्ट करना कि फिर से वही मैंडेट मिले या उससे बढ़ के मिले, यकीन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये चैलेंज जरूर होगा। दूसरी जानब इत्तेहादी जमातें जो अपोजिशन या हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए ये मामला जरूर होगा कि जब जनरल इलेक्शन का ऐलान होता है, जब अर्ली इलेक्शन का ऐलान होगा और एक बड़े पैमाने पर इलेक्शन होंगे तो ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है कहीं ये पारा पारा ना हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरीके से 13 जमातों को एक साथ पिरोए रखा और एक साथ जोड़े रखा, क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा? और ये सवाल होगा कि क्या ये 13 जमातें इतने बड़े पैमाने पे क्या मिलके इलेक्शंस लड़ेंगी, इंतखाबात मिलजुल के होते हुए दिखाई देंगे, क्या एक बड़े पैमाने पे सीट एडजस्टमेंट होती हुई दिखाई देगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी मुस्लिम लीग नून और ये तमाम तर बड़ी जमातें अपने अपने मैंडेट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज करते हुए इश्तराक करते हुए इत्तेहाद करते हुए इलेक्शन में सामने आएंगी, वो भी इस तरह के इंतखाबात जो कि जनरल इलेक्शन हो शायद ही मुश्किल नजर आता है और इसका ही एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं जो कुछ हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन आज जो कुछ हुआ खेलों के मैदान में वो कुछ अच्छा ना था, पाकिस्तान के अखबार से कहा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा ना था, लेकिन तारीख जरूर रकम होगी। आज इंग्लिस्तान की इंग्लैंड की जो टीम है उसने एक दिन में 500 से ज्यादा रन स्कोर किए और रावलपिंडी में जो टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, इसमें जो कुछ हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।